हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शो में नाथ यूट्यूब चैनल नो द ट्रूथ। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वो है कि यूजीसी का आज 5 तारीख है, एक नया नोटिस आया हुआ है। और ये जो नया नोटिस नवंबर के 5 तारीख के जो रिलीज हुआ है यूजीसी की तरफ से, उसके बारे में डिस्कस करना है। और डिस्कशन किस टॉपिक के, वो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोगों का जो फिजिकल ओपनिंग ऑफ द कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज, उसके बारे में बताया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है, मॉडलिटीज जो है उसके बारे में। ये एक 17 पेज का मॉडलिटी है पूरा, तो चलिए 17 पेज तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज मैं डिस्कस कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा कि कब अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओपन होगा फिजिकली, और आपका जो कॉलेज पे आना जाना कैसा रहेगा, फिर सारे कंटेनमेंट जोन उसके बारे में जो सारा जितना भी कहा गया है वो सब डिस्कस करेंगे आज। और प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, और डू अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो डू सब्सक्राइब शोमेन्नाथ यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये सका चैनल है जो आपको सही खबर सही समय पे देता है और सच खबर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूजीसी न्यू नोटिस एंड गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग स्कूल कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज, ये दिसंबर में खुल चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी 5/11/2020 आज के नोटिस टा इस चे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोटिस, सेकंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोडालिटीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सी, दिस इज द नोटिस, दिस इज 5 November 2020, यूजीसी गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे ये दिया गया है, और यहाँ पे ये सिर्फ क्लियर कट बता दिया गया है कि जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस एक 17 पेज के रूप में दिया गया है Annexure 1, और ये Annexure 1 के तरफ से ये सारे यूनिवर्सिटीज को भेजे गए हैं। तो ये जो है ये आपको मैं एडवांस कवर दे रहा हूँ, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये यूजीसी गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, ये नवंबर आज ही के दिन ये रिलीज हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। ये बहुत बड़ा एक है, क्योंकि 17 पेज का पूरा है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप देख लीजिए, गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स कोविड appropriate behavior, ये पेज ऐसे देखिए, फिर introduction, reopening of campuses, issues and challenges, फिर measures required before reopening and campuses, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। institutional planning क्या होगा, safety measures क्या होगा, और ये सारा बहुत कुछ आपको पूरा दिखाया जा रहा है, role of stakeholders etc etc। तो यहाँ पे hostels के बारे में क्या होगा, inside the campus कैसे behave करेंगे, फिर regular monitoring of health कैसे होगा, measurement of containment जो है उसका क्या होगा, sanitization of students क्या होगा, teachers and staff के बारे में क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसका जो gist है वो gist मैं आप लोगों को अभी पढ़ के बताता हूँ। देखिए, ये जेनेरिक और प्रिवेंटिव जो मेजर्स है COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें पहला जो पॉइंट कहा गया है ये फैकल्टी मेंबर, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स सभी के लिए लागू हो रहा है। और इसमें कहा गया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 फीट टू बी फॉलोड एज पर द फिजिबल, देन यूज ऑफ फेस कवर्स और मास्क टू बी मेड मैंडेटरी। सेकेंड, थर्ड पॉइंट में कहा गया है के फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप फॉर एटलीस्ट 40-60 सेकेंड्स, ये बहुत मायने रखते हैं, कि हम लोग हाथ में साबुन लगाते ही उसको धो डालते हैं 10 सेकेंड के अंदर, लेकिन ये नहीं चलेगा, 40-60 सेकेंड्स रखना पड़ेगा, इवन व्हेन हैंड्स आर नॉट विजिबल डर्टी। यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, अगर हो अल्कोहल बेस्ड हो, कैन बी डन वेयर एवर फिजिबल। उसके बाद रेस्पिटरी इक्विपमेंट्स टू स्ट्रिक्टली फॉलोड, दिस इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वन्स माउथ एंड नोज वाइल कफिंग, स्नीजिंग विद अ टिश्यू और हैंकरचीफ और फिक्स्ड एल्बो, एंड डिस्पोजिंग ऑफ यूज टिश्यू प्रॉपरली। देन कहा गया है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ बाई ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीस्ट, स्पिटिंग
शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो कहा गया है वो है इंस्टॉल एंड यूज ऑफ आरोग्य सेतु। ये इसको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है लेकिन फिर भी यहाँ पे डाल दिया है इन लोगों ने। तो चलिए इसको जो जिस्ट है बता देते हैं हम आपको। ये जिस्ट बताया अभी क्या कहा गया है पूरा। बिफोर रीओपनिंग ऑफ एनी कैंपस द सेंट्रल और द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हैव डिक्लेयर्ड द एरिया सेफ। तो ये जो एरिया है आपका सेफ होना चाहिए फॉर रीओपनिंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न रिगार्डिंग सेफ्टी एंड हेल्थ इन व्यू ऑफ कोविड 19 मस्ट बी फुल्ली अबाइडेड। यानी कि फुल्ली उसको अबाइड किया जाए। सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे कहा गया है वो कहा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दे डेवलप स्ट्रिक्टर प्रोविजंस, यानी कि स्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस है वो गाइडलाइंस फॉलो करे। द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैव टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पे टू एंश्योर द सेफ्टी एज वेल एज हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एज वेल एज स्टाफ। फिर कहा गया है द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस शैल बी अलाउड टू ओपन ओनली कब इफ दे आर आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज कंटेनमेंट जोन में पड़ता है तो उसको ओपन करना यानी कि मुश्किल है, उसको ओपन करना नहीं दिया जाएगा, यानी कि ओपन कर ही नहीं सकते हो। फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ लिविंग इन कंटेनमेंट जोन विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द कॉलेजेस और स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टाफ, यानी कि स्टाफ हो स्टूडेंट हो जो कोई भी हो कंटेनमेंट जोन में अगर रहते हैं तो आपको कॉलेज अटेंड करना नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन जैसे चल रहा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कहा है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट इसमें कहा गया है द इंस्टीट्यूशन शुड बी रेडी विद अ प्लान फॉर हैंडलिंग द इनफ्लो ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट आएगा, फैकल्टी कहाँ पे बैठेगा, स्टाफ कैसे बैठेगा, ये सारा जो मॉनिटरिंग है डिसइंफेक्शन इन्फेक्टिंग ये मेजर्स जो है उसको कैसे लिया जाएगा, सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशंस कैसे रहेगा, ये सारा सब कुछ यानी कि जो स्प्रेड है वायरस का ना हो उसके ऊपर बेस करके ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को रीओपन करने का परमिशन दिया जाएगा। तो अगर ये सारा देखा जाए वेस्ट बंगाल में, अभी डिपेंड कर रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, आज ही ये नोटिस आया है शायद आज ही भेजा गया हो उन लोगों को, तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर एज वेल एज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो वेस्ट बंगाल का है तो वो देखेंगे कंसिडर करेंगे। फिर अगर पॉसिबल हो तो दिसंबर महीने के पहले वीक अगर कोई यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहिए, टोटली डिपेंड कर रहा है हमारे वेस्ट बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कि उनको पूरा लिबर्टी है कि क्या डिसीजन ले। तो इसके साथ आज जो वीडियो है ये ख़त्म करते हैं और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल।